अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हम दो हमारे चार, एंड दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग जी। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी मटन कीमा बनाने की रेसिपी। मैंने यहाँ पे आधा केजी मटन लिया है, कीमा मटन कीमा लिया है, और 6 से 7 हरी मिर्च काट ली हैं, और ये मैंने मस्टर्ड ऑयल में प्याज भूनने के लिए डाल दी है। अब इसको सॉटे करेंगे और इसको लाल होने तक सॉटे करेंगे। थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। जब ये अपना गोल्डन कलर लेगी तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर तक भूनने देना है। अब इसमें आप ये जो कटी हुई हरी मिर्च थी ये डाल दीजिए। अच्छा जी, अब आप इसमें कीमे का पानी निचोड़ के इसको डालिए। अब इसको सौते कर लेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा, जब तक इसको सौते करेंगे। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, शुगर खाने का बहुत शौकीन है ये। देखो जी, ये जो है पानी छोड़ दिया है कीमे ने। अब आप इसमें जो है नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला। अब इसको लाल करेंगे, भूनते रहेंगे। थोड़ी देर छोड़ देंगे पानी थोड़ा सूखने के लिए। अच्छा, ये यहाँ पर पानी सूख गया है। अच्छा जी, अब मैं इसमें स्पाइसेस डालती हूँ। ये थोड़ी सी लाल मिर्च, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पड़ते हैं क्योंकि ये सिर्फ अनियन एंड ग्रीन चिली इससे बनता है। ज़्यादा इसमें सिर्फ आप रेड चिली थोड़ी सी और थोड़ी सी टर्मरिक डाल सकती हैं, मतलब कलर के लिए। अब इसको चला लेते हैं और इसको भुनने देते हैं जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। ये देखिए यहाँ पर भुन चुका है हमारा कीमा। इसमें हम थोड़ा सा
थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि ये गल जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसलिए कि ये नीचे लगे ना। अब इसको ढक्कन लगा के दो चार सीटी लगा देंगे जब तक हम इधर चावल बना लेते हैं बच्चों के लिए। दो कटोरी चावल बनाएंगे। चावलों को अच्छे से धो के मैंने पकने के लिए छोड़ देंगे इसको। मैं हाथों से ही नापती हूँ चावल। थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढक के रख देंगे। चावलों में उबाल आने लगा है इसको चलाएंगे और जब पानी कम रह जाएगा तो इसको फुल कवर करके और स्लो आंच पे रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी अम्मी ने पाए का सालन भेजा है और ये खीर है। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी का घर पास में ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज ये 1 वीक का धनिया रखा हुआ है। टिश्यू में करके रखने से ख़राब नहीं होता है। इधर कपड़े भी पड़े हैं धुलने के लिए। कपड़े डाल दिए हैं धुलने। इसको मैंने ऑन कर दिया है। लाइट नहीं थी, अब आई है लाइट। चलिए, बार बार लाइट, फ्रेंड्स इतना डांटक कर रही है बारिश की वजह से। मैं सोचा लाओ जल्दी से थोड़े से कपड़े फोल्ड कर लें। अच्छा, अब मैं फिर से किचन की तरफ जा रही हूँ, देखती हूँ कि खाना रेडी हो गया या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कीमा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दूँगी। अच्छा जी, अब हमारे बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो गया है आने का। इधर हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी रोटी और बनाऊंगी। चावल भी बन के तैयार हो गए। ये हमारे बाबू सो गए हैं। अब मैं रोटी डाल लेती हूँ बच्चों के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी से हैं, हम लोगों की तरफ बड़ी रोटी डाली जाती है। आप लोग प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि इतनी बड़ी बड़ी रोटी डालते हैं, हम लोगों के यहाँ बड़ी रोटी ही डाली जाती है। खाना लगा दिया है हमारी छोटी बेटी और ये हमारा बेटा। तीनों बच्चे खाना खाने बैठ चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स,
हम लोग खाना खाते हैं, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।